यूरोप एंड वर्ल्ड व्हीलचेयर हैंडबॉल टूर्नामेंट नामक इस अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारतीय टीम मेडल तो नहीं जीत पाई, परंतु अपने लाजवाब खेल के दम पर सेमीफाइनल तक पहुंचे और सभी देश को आश्चर्यचकित कर दिया। 9 देश में से भारत चौथे क्रमांक पर रहा, लेकिन यहां से मुंबई लौटे खिलाड़ी राजेंद्र सिंह और कोच आनंद माने को पूरा भरोसा है कि अगला चैंपियन भारत ही होगा। मेरा नाम आनंद माने है और मैं व्हीलचेयर हैंडबॉल इंडियन कोच हूँ और हम लोग पोर्चुगल में गए थे यूरोपियन हैंडबॉल और IHF वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के लिए लीरा में। हम लोग पोर्चुगल में IHF व्हीलचेयर हैंडबॉल टूर्नामेंट वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए गए थे और वहाँ पे हमने चौथा स्थान हमें वहाँ पर मिला और टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही और वहाँ की जनता ने हमें तहे दिल से चाहा और बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाए। राजेंद्र सिंह फ्रॉम मुंबई एंड वी रिप्रेजेंटेड इंडिया, बहुत गौरव की बात है, इससे बड़ी कोई चीज़ हमारे लिए हो नहीं सकती। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।